ड्रग्स वो जहर है जो इंसान को दीमक की तरह खा जाता है। देश में ड्रग्स की लत वाले नौजवानों की काफी बड़ी तादाद है। वैसे तो सरकारें अपने स्तर पर ड्रग्स के खिलाफ काम कर रही है, लेकिन दिल्ली के कुछ नौजवानों ने भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ड्रग्स के खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया है। ये छात्र अपने तरीके से नौजवानों को नशा मुक्त करने के अभियान में जुटे हुए हैं, जिनसे हमें भी सीखने की जरूरत है। ये सिर्फ बाइकर्स की रैली नहीं है, ये ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई है। ड्रग्स एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे नौजवानों को अंदर से खोखला करके देश के भविष्य को खोखला कर रहा है। ये बाइकर्स दिल्ली के अलग अलग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं। इनकी जिद है कि ड्रग्स के दानों को हराना है। ड्रग्स की लत के खिलाफ करीब 40 छात्रों ने गुड़गांव से दिल्ली के जंतर मंतर तक एक बाइक रैली निकाली। मकसद था नौजवानों को नशे से मुक्त रहने का संदेश देना। इन छात्रों को एहसास हुआ कि उनके स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले कई दोस्त हैं जो नशे की चपेट में हैं। इसकी वजह से उनकी जिंदगी चौपट हो रही है। इन्होंने तय किया कि नशा मुक्ति के लिए काम करेंगे और नौजवानों को नशे खासतौर से ड्रग्स की लत से बाहर निकालेंगे। ये देश के लिए और पॉपुलेशन के लिए और न्यू जनरेशन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। ड्रग्स और ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है एक पॉइंट पे आके जो लोग करते होंगे कि वो बहुत अच्छा फील करते हैं, पर मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने किया एंड आई वांट कि पीपल शुड नॉट डू इट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल लाइक अस कि हम आगे आएं, फॉरवर्ड आएं और इसके बारे में लोगों को अवेयर करें, बिकॉज हम लोग भी देखते हैं हमारे ग्रुप में भी, एज ग्रुप में भी ये होते हुए। ये छात्र स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाते हैं, ड्रग्स के पीड़ितों से बात करते हैं, डॉक्टर्स प्रोफेसर और समाज में मुकाम रखने वाले लोगों से पीड़ितों की बातचीत करवाते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं। ये छात्र ड्रग्स रिहैब सेंटर्स के संपर्क में रहते हैं ताकि पीड़ित नौजवानों को मदद दिलाई जा सके। करीब 1.5 साल पहले छात्रों ने ड्रग्स के खिलाफ काम करना शुरू किया। ये छात्र 35 वर्कशॉप कर चुके हैं और सरकारी स्कूलों में 50 वर्कशॉप आयोजित करने का लक्ष्य है। इन छात्रों का मानना है कि हम उम्र ड्रग्स के पीड़ित नौजवानों को ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। बच्चों को समझ आए कि नशा करने से क्या होता है और क्या इफेक्ट पड़ सकता है उनकी लाइफ में, इसीलिए हमने सोचा कि हम एक बाइक राइड करें जिससे यंगस्टर्स ही बोलेंगे तो समझ आता है। माँ बाप बोलते हैं तो लगता है कि डांट पड़ रही है, पर खुद जैसे लोग खुद के दोस्त बोलेंगे तो लगता है कि हाँ सही कह रहे हैं, इसलिए ये हमने एक सोचा ऑर्गेनाइज करेंगे। देश में ड्रग्स की समस्या बढ़ती जा रही है। हालांकि देश में ड्रग्स के शिकार लोगों की सही सही तादाद किसी को पता नहीं। ड्रग्स पर आखिरी सर्वे 2000 और 2001 में हुआ था। इसके मुताबिक भारत में करीब 73 लाख शराब और ड्रग्स के पीड़ित हैं। 2011-2013 के बीच अवैध ड्रग्स की बरामदगी में 5 गुना या 455 गुना का इजाफा हुआ है। 2011-2013 के बीच 1,05,173 टन अवैध ड्रग्स बरामद। पंजाब, मिजोरम और मणिपुर में सबसे ज्यादा ड्रग्स पीड़ित हैं। पंजाब में सालाना 6,500 करोड़ की हीरोइन का सेवन किया जाता है। 2015 में एम्स के सर्वे के मुताबिक पंजाब के 10 जिलों में 1,23,000 लोग हेरोइन पर निर्भर हैं। मणिपुर में 2014 में 45,000 से 50,000 ड्रग एडिक्ट थे। 12% ड्रग एडिक्ट 15 साल के नीचे के, 31% ड्रग्स एडिक्ट 16 से 25 साल के बीच में है और 56% ड्रग्स एडिक्ट 25 से 35 साल के बीच के हैं। दिल्ली में आप लगा लो 80 या 85% यूथ, अब जो ओल्ड एज हो चुकी है वो जैसे घर पे दारू पी लिया है, ऐसे कई लोग भी जिनको सुबह उठते ही दारू चाहिए। 85% आप मान के चलो, 10 साल का बच्चा 80 साल का बुजुर्ग, ये सारी रेशो है 85% के अंदर। और ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में से आप अगर आप 10,000 लोग लगाते हो कि ऑल ओवर इंडिया में 10,000 लोग हैं, तो उसमें से 9,500 लोग नशे से पीड़ित हैं। जाहिर है ड्रग्स से हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। ड्रग्स की दुनिया का घंघोर अंधेरा चकाचौंध और रंगीनियों का एहसास कराता है, जहां घुट घुट कर मरना खुले आकाश में उड़ने सा मजा देता है, लेकिन जब तक होश आता है सब कुछ खत्म हो चुका होता है। ऐसे में इन छात्रों की छोटी सी कोशिश काबिले तारीफ। निर्मिति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।